कई साल के रिसर्च के बाद साइंटिस्ट ने यह पता लगाया कि एक ड्रग एडिक्ट के ब्रेन पर ड्रग्स लेने पर जो असर होता है, सेम इफेक्ट ब्रेन पर पॉर्न देखते वक्त होता है। क्योंकि एक पॉर्न एडिक्ट और एक ड्रग एडिक्ट इंसान के ब्रेन की मेटाबॉलिक एक्टिविटी नॉर्मल इंसान के मेटाबॉलिक एक्टिविटी से कई गुना ज़्यादा थी, यानी कि एक ड्रग एडिक्ट और एक पॉर्न एडिक्ट के ब्रेन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं। इस वीडियो को देखने के बाद आप पॉर्न को देखने के बारे में 10 बार सोचोगे। क्या आपने कभी सोचा है कि हम बार बार सोशल मीडिया ऐप्स को ओपन करते रहते हैं, जबकि हम बार बार तो कभी बुक्स को तो ओपन नहीं करते? क्यों बहुत सारे टीनेजर्स आज मोबाइल गेम्स के एडिक्ट हो चुके हैं? और ना सिर्फ ड्रग और पॉर्न बल्कि इन सभी एडिक्शन का हमारे ब्रेन पर सेम इफेक्ट होता है। क्योंकि सोशल मीडिया पर पोस्ट देखते जाना या फिर मोबाइल गेम्स खेलते समय हमें बहुत ही मज़ा आता है और हमें कमाल की फीलिंग का एहसास होता है। और वो कमाल की फीलिंग इसलिए होती है क्योंकि हमारे ब्रेन में एक पावरफुल न्यूरो हार्मोन केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है डोपामिन। और जब ये हार्मोन हमारे दिमाग में रिलीज होता है तब हमें कमाल की फीलिंग का एहसास होता है, इसलिए डोपामिन को प्लेजरेबल हार्मोन भी कहते हैं। दूसरा काम जो डोपामिन करता है वो ये है कि जिन भी प्लेजरेबल एक्टिविटी में हम शामिल होते हैं उन एक्टिविटीज़ को हमें दोबारा करने के लिए हमें मोटिवेट करता है, इसलिए डोपामिन को डिज़ायर हार्मोन भी कहते हैं। डोपामिन आपकी उपलब्धि से जुड़ा हार्मोन है। आपके शरीर में इसकी मात्रा जितना ज़्यादा होगी आप उतना ही ज़्यादा अपने काम पर फोकस बनाए रखेंगे। यह एक रचनात्मक और एकाग्रता बढ़ाने में आपको मदद करेगी। लेकिन पॉर्न देखते समय एक इंसान का दिमाग नॉर्मल से 5 गुना ज़्यादा डोपामिन रिलीज करने लगता है। म्यूजिक सुनते समय या फिर स्पोर्ट्स खेलते समय आपका दिमाग नॉर्मल डोपामिन रिलीज करता है और यह हमारे शरीर के लिए अच्छा भी होता है। लेकिन पॉर्न देखते समय कूलिंग इफेक्ट के चलते आपका ब्रेन नॉर्मल से कई गुना ज़्यादा डोपामिन रिलीज करने लगता है। और जितना ज़्यादा डोपामिन रिलीज होता रहेगा उतना ही ज़्यादा डेल्टा फॉस्फी नाम का प्रोटीन आपके दिमाग में इकट्ठा होता रहेगा। और जब कोई इंसान पॉर्न मूवी देखने के अधीन हो जाता है तब इकट्ठा हुआ डेल्टा फॉस्फी दिमाग में कुछ जीन्स को एक्टिवेट कर देता है। उसके बाद पॉर्न देखने वाले इंसान को पॉर्न देखने के बाद इतना ज़्यादा डोपामिन की आदत लग जाती है कि उस इंसान को पॉर्न को छोड़कर और सभी काम बोरिंग लगने लगते हैं। इस स्टेज के बाद एक पॉर्न एडिक्ट का ब्रेन डैमेज होने लगता है, क्योंकि इस स्टेज में आने के बाद डोपामिन के साथ साथ डोपामिन रिसेप्टर भी कम होने लगते हैं। जब एक इंसान पॉर्न मूवी को देखने के आदि हो जाता है तब ब्रेन को सेम अच्छी फीलिंग सस्टेन करने के लिए ब्रेन को अधिक ज़्यादा मात्रा में डोपामिन रिलीज करना पड़ता है। जैसे कि कोई इंसान स्मोकिंग का नया नया एडिक्ट हो जाता है तब शुरू में उसे 1 या 2 सिगरेट लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे एडिक्शन बढ़ता चला जाता है वैसे ही सिगरेट की संख्या भी बढ़ती चली जाती है। इसके चलते थोड़े समय बाद एक एडिक्ट के ब्रेन सेल्स के न्यूरॉन्स मरने लगते हैं। इसलिए जब कोई इंसान पॉर्न देखना शुरू करता है तो अब नॉर्मल पॉर्न से शुरू करता है, लेकिन कुछ समय बाद उस इंसान को ज़्यादा डोपामिन रिलीज करने की आदत लग जाती है और वो इंसान नॉर्मल पॉर्न देखने के बजाय ज़्यादा वायलेंट पॉर्न और हिंसक पॉर्न ढूंढता रहता है। इसलिए पॉर्न साइट्स पर पॉर्न की अलग अलग कैटेगरी दी जाती है ताकि आपका ब्रेन ज़्यादा से ज़्यादा डोपामिन रिलीज कर सके और आपको पॉर्न की आदत लग सके। इसके अलावा D2 रिसेप्टर कम होने से एक इंसान का दिमाग हाइपोपरेंटलिटी का शिकार हो जाता है। इसका मतलब है पॉर्न एडिक्शन धीरे धीरे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को कमज़ोर करने लगता है और हमारे दिमाग का यही हिस्सा हमारे विल पावर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। D2 रिसेप्टर हमारे ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को नियंत्रित करता है, यानी कि D2 रिसेप्टर के कम होने के बाद पॉर्न एडिक्ट के दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कमज़ोर होने लगता है, यानी कि सिकुड़ने लगता है। और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कमज़ोर होने के साथ साथ उस इंसान के विल पावर, कॉन्सेंट्रेशन पावर, डिसीजन मेकिंग, लॉजिकल पावर, यानी उस इंसान का टोटल ओवरऑल दिमाग ही कमज़ोर होने लगता है। अब सवाल यह आता है कि एडिक्ट हुए ब्रेन को ठीक कैसे किया जाए? क्या इसका कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन है? तो आंसर है यस। डोपामिन डिटॉक्स को डोपामिन फास्ट भी कहते हैं, यानी कि आपको हफ्ते में 1 दिन डोपामिन का उपवास रखना है। मतलब 1 दिन आपको कहीं बाहर घूमने जाना है, अपने मोबाइल को घर पे रखना है। एक बात याद रखना कि इस 1 दिन में आपको एक भी बार अपने दिमाग में डोपामिन को रिलीज होने नहीं देना है। इससे आपको जो काम बोरिंग लगने लगते थे वो भी काम इंटरेस्टिंग लगने लगेंगे। तुरंत अपने मोबाइल से सारा पॉर्न कलेक्शन डिलीट कर दो।
सारे एडल्ट पेजेस को अनफॉलो करो ताकि आपके दिमाग को कोई सुराग ना मिल सके। अकेले रहना अवॉइड करो, फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। चाहो तो एक किताब खरीद सकते हो जो है कैरी विल्सन द्वारा लिखित यूअर ब्रेन ऑन पॉल, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, चाहो तो खरीद सकते हो। कोल्ड शावर प्रेफर करो और याद रखना डेल्टा फोर्स भी आपके दिमाग में इकट्ठा होने की वजह से ब्लड से छुटकारा मिलने में आपको 6 से 8 हफ्ते लग सकते हैं। और हर ज़रूरतमंद इंसान को इस वीडियो को शेयर करो, हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।